हेलो फ्रेंड्स, आपको भी क्या ये TPM का एरर बता रहा है विंडोज 11 को इंस्टॉल करने में? तो बने रहिए हमारे साथ में, मात्र 2 मिनट में इसका एरर का काम तमाम हो जाएगा। तो देखिए, अभी आपको पहले एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप नीचे दी गई इधर TPM एरर फाइल से दिया गया है उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में ये देखिए, ये मेरे WinRAR में डाउनलोड हो चुकी है। मैं WinRAR फाइल मैनेजर में जाके इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। देखिए, अभी ये एक्सट्रैक्ट करता हूँ, इधर भी इधर से भी, मतलब ये फाइल आ चुकी है। हम फाइल को इधर से, ये DLL फाइल है, इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करके आपको जाना है सी फोल्डर में, जहाँ पे हमारा विंडोज इंस्टॉल है। तो इधर आप देंगे तो ऊपर व्यू का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये हिडन फाइल में पेस्ट करनी है हमें। तो व्यू पर क्लिक कीजिए और व्यू से अभी देखिए नीचे शो का ऑप्शन आ रहा है। शो में जाके आपको हिडन फाइल पर क्लिक चेक मार्क करना है। चेक मार्क करके आप अभी विंडोज BT में जाएंगे। अभी सोर्स में जाना, सोर्स में जाके इधर कंट्रोल वी करके या राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, ये कंटिन्यू कर दिया, ये फाइल हो गई है इधर पेस्ट। और मैं वापस जाता हूँ अपने विंडोज इंस्टॉलर में, अपडेट में ये क्लोज कर दिया मैंने। अभी वापस मैं जाऊँगा सेटिंग में, सेटिंग से अपडेट में, अपडेट में इधर देखिए अपडेट फेल हो गया। अभी वापस से मैं फिक्स इश्यू करता हूँ और इसे नए मतलब विंडोज अपडेट को इंस्टॉल करता हूँ। यही तरीका आप विंडोज 10 से 11 अपग्रेड करने में भी कर सकते हैं। देखिए ऑलमोस्ट रेडी बता चुका है अभी तक, ठीक है। ये देखिए, ये अभी अपडेट हो जाएगा। ऐसा तरीका यूट्यूब पर भी नहीं है। ये देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।